राजर्षि भरतरी मदर्सी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। दरअसल ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पुरानी पेंशन विसंगतियों को दूर करने को लेकर चल रहे आंदोलन की आगामी रणनीति तय करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक हुई। उसमें उदय बीकानेर कोटा अलवर अजमेर जयपुर तथा RUHS जयपुर सहित सभी विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विरोध कर रहे तिवारी ने बताया, बैठक में निर्णय लिया कि मदरसे यूनिवर्सिटी सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 16 से 23 अगस्त तक कार्य बहिष्कार रहेगा। इस दौरान अलग अलग रचनात्मक अंदाज में ध्यानाकर्षण किया जाएगा। 22 अगस्त को विश्वविद्यालय के कर्मचारी संभागीय स्तर पर रैली निकालेंगे और संभागीय आयुक्त कलेक्ट्रेट अथवा सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देंगे। 23 अगस्त को प्रदेश स्तर पर सद्बुद्धि यज्ञ होगा। रस सहित राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी 24 अगस्त को पूर्ण बंद रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को OPS लागू की गई है। सबको बिना शर्त, बिना NPS, मतलब NPS का पैसा नहीं जमा कराना है, और उसके अलावा स्लैब में कटौती उनकी स्लैब के अकॉर्डिंग है। जबकि ऑटोनॉमस संस्थाएँ, विश्वविद्यालय आदि, इनके लिए शर्त लगाई है कि जो नियोक्ता का अंशदान है वो नियोक्ता वहन करे, और पहले उस पर ब्याज भी लगाया था लेकिन अभी ब्याज माफ़ कर दिया है उस पर। और हमारी मांग यही है कि हमें भी पूर्ण OPS दिया जाए, जैसे अन्य राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है, वैसे ही निगम बोर्ड, स्वायत्त साथी संस्थाएँ, विश्वविद्यालय आदि, इनको दिया जाए। और अभी OPS संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्य बहिष्कार का है, दिनांक 1 से चल रहा है। पहले शाम को 3 से 5 था, और आज दिनांक 16 से और 24 तक के प्रारूप आ गया है। आज हस्ताक्षर अभियान है और पूर्ण कार्य बहिष्कार है दिनांक 16 से 24 तक का। अंतरिक्ष तिवारी।